Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhesare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic, Nagpur. In today's lecture, we are going to study how to draw a cycloidal curve. Okay, so let's start. Let's see what we learned previously. We learn about basics of engineering curve. We learn how to draw ellipse, parabola, hyperbola by various methods. We learn different engineering curves. We learn how to draw involute. So learning outcomes. After completion of the session, we are able to draw a cycloid on a basis of given situation. Okay? And these are your program outcomes. So, हेलो एवरीवन, हम लोगों ने पिछले यूनिट में देखा था कि जिस प्रकार से आपको इन्वॉल्यूट ड्रॉ करना है, अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ अ साइक्लॉइड ऑफ अ सर्कल. ठीक है, सो साइक्लॉइड क्या होता है ये मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में. आपको फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि जैसे मान लो कि एक सर्कल है, ये आपकी साइकिल का चक्का है, ठीक है, और यहाँ पे आपका पंक्चर हो गया. So, ये पॉइंट जो है कि आपका जो साइकिल का चक्का है, ये पॉइंट से लेकर तो ये पॉइंट तक ऐसा पूरा एक रिवॉल्यूशन तैयार करेगा, मतलब ऐसे घूम भी जाएगा आपका चक्का. तो ये जो पॉइंट है, ये किस पाथ को फॉलो करेगा, ये आपको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा है. ठीक है, ये किस पाथ को फॉलो करेगा, जो होता है साइक्लोइडल पाथ. ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था. ठीक है, सो अभी हम लोग इसका एक प्रॉब्लम देखते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि ड्रॉ अ साइक्लॉइड ऑफ अ सर्कल हैविंग डायमीटर इक्वल्स टू 40 mm. क्या करना है, एक साइक्लॉइड ड्रॉ करना है एक सर्कल का जिसका डायमीटर कितना है 40 mm. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर करेगा 40 mm. आप लोगों को पता चल कि आपका जो डायग्राम रहेगा वो कुछ ऐसा लंबा जाएगा, ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा ज्यादा, ऐसा लंबा जाएगा. ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपना पेज एडजस्ट कर लो. ओके, सो मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ. सर्कल का डायमीटर कितना रहेगा अपना 40 mm. 40 mm मतलब उसका रेडियस कितना रहेगा 20 mm. ठीक है, मतलब आपके रेडियस आपके डिवाइडर में कितना आएगा 20 mm. ठीक है, सो 40 mm मतलब 4 सेंटीमीटर का आपने यहां पे क्या बना दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस सर्कल को आपको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. आठ इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं मैंने आपको बताया था. सबसे पहले तो इसके सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो. कर लिया, उसके बाद में आपका डी उसको एडजस्ट कर लो यहाँ पे सेंटर में. ओके, और फिर 45 डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ से 45 डिग्री, 45 45, इसको आप मार्क कर लो और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो कुछ इस प्रकार से. ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहां पर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, इतना हमने कर लिया. अब आपको क्या करना है, इस सर्कल को नंबरिंग देना है. तो याद रखना कभी भी कि जब हम साइक्लॉइड बनाते हैं तो सर्कल को नंबर हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देना. कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. घड़ी जिस तरीके से हमारी घूमती है, उस तरीके से हमको इस पर नंबर देना है. So, मैं इस वाले पॉइंट से चालू करता हूँ, इसको नंबर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस इज माय 8 पॉइंट. ओके, और ये है मेरा सेंटर पॉइंट. सेंटर को मैं बोलता हूँ 4 पॉइंट. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये मेरा 4 पॉइंट हो गया. इतना समझ में आया क्या? अब आपको क्या करना है, ये जो आपका सर्कल है ये कुछ इस प्रकार से चलने वाला है, लेकिन कितना चलेगा तो आपको अज्यूम करना है कि कितना चलेगा इक्वल टू
सरकमफेरेंस चलेगा, अगर नहीं दिया है तो अज्यूम करो दिया होगा ही, ओके। सो सरकमफेरेंस निकालेंगे हम लोग, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई डी, पाई डी दैट, सो पाई इनटू डायमीटर का दिया है 40 mm। अब अपने कैल्सियम में इसको सॉल्व कर लो, तो कैल्सियम में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 125.6 mm, मतलब कितना हो जाएगा 12.56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग 12.5 मतलब 12.5 सेंटीमीटर अपन ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप 12.5 की चलते हो तो आप 13 सेंटीमीटर भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसको 12.5 सेंटीमीटर या फिर 13 सेंटीमीटर आप इसको ड्रॉ कर लो, कैसे करेंगे, सेंटर से ये जो सेंटर है इसका, सेंटर से कितना डिस्टेंस हमें ड्रॉ करना है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हमको ड्रॉ कर लेना है। तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं 13 सेंटीमीटर, ओके। सो मैं यहां पर अप्रोक्सीमेट ड्राइंग बना रहा हूं, वही मेरा कॉमन डायलॉग है, ठीक है। अब आप लोगों ने यहां पर 13 सेंटीमीटर की लाइन यहां पर ड्रॉ कर ली हॉरिजॉन्टल, है ना। अब आपको क्या करना है, जिस प्रकार से आपने इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उसी प्रकार आपको इस लाइन को भी 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है, 13 को आपको 8 पार्ट में डिवाइड करना है, 8 इक्वल 8 इक्वल 8, और रखने के बाद यहां से पॉइंट्स मार्क करो, ये मेरा 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, 4, 5, 6, 7 and this is my 8 point। ये जो 8 वाला पॉइंट है आपका, ये जो 8वां पॉइंट है ये बराबर आपका लास्ट पॉइंट का है, मतलब आपकी लाइन का सबसे एंड पॉइंट। अगर आपका नहीं आता है कुछ इधर साइड में आता है तो आप लास्ट वाले जो पॉइंट रहेगा उसी को आप 8 पॉइंट करके मार्क कर लो, ठीक है। ये आपकी एक्यूरेसी की वजह से होता है। तो अभी आप लोग को क्या करना है, इसको मैं नंबर लिख रहा हूं, इसको मैं नंबर कैसे लिखूंगा, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8, ठीक है। तो मैंने इसका नंबर ले लिया, इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि ये जितने भी पॉइंट्स है इन सारे पॉइंट्स से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो हमने लाइन बनाई है, ये लाइन बनाई है हमने, तो इससे पैरेलल लाइन आप ऐसे बनाओ और उसको लेके जाओ ये 3 पॉइंट के पास, ठीक है। ये 3 पॉइंट के पास लेके जाओगे आप, तो यहां से आप लोग एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, ठीक है। ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आप उसको ड्रॉ करो, तो ये जो लाइन रहेगी ये बराबर ये 5 पॉइंट से टच होते हुए जाएगी, मतलब 3 पॉइंट और 5 पॉइंट से टच होते हुए ये लाइन जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये 1 और 7 से टच होते हुए भी एक लाइन जाएगी, हो गया। उसके बाद आपको किससे पैदल बनाना है, इसको पैदल लेके जाना है 8 पॉइंट के पास, सो 8 पॉइंट के पास से पैदल लाइन बना लो, एंड सिमिलरली 4 पॉइंट के पास ऐसा पैरेलल लाइन लेके जाएंगे और 4 पॉइंट के पास से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इतना हमने बना लिया, ठीक है बेटा। ये डायग्राम आपको बहुत ही ध्यान से बनाना है, बहुत लोगों का गलती होता है इसमें, ठीक है। इतना हमने अगर बना लिया है तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपको क्या करना है, आपके डिवाइडर में O से लेकर तो 8 तक का डिस्टेंस होगी, जितना O से लेकर 8 तक का डिस्टेंस, मतलब इक्वल्स टू आपका रेडियस, इसका रेडियस कितना है 20 mm, है ना।
है ना, तो रेडियस पेटिशन आपने डिवाइडर में ले लिया। लेने के बाद उसको आपको सी वन पॉइंट पर रखना है, कहां पे सी वन, और देखिए वन से जो लाइन पास हुई है, वन से कौन सी लाइन पास होगी, ये लाइन पास होगी ऐसी। सो वन वाली लाइन के ऊपर आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे कुछ किस प्रकार से। आर्क ड्रॉ कर लिया, उसको आपको नाम देना है पी वन, ठीक है। देखिए कचरा होने वाला है, इसके ध्यान से लीजिए, हो गया। उसके बाद में डिस्टेंस कितना रहेगा, इसको आपको हिलाना नहीं है, सी टू पे रखेंगे और टू से कौन सी लाइन पास होगी, देखिए ये लाइन पास होगी है तो वहां से आर्क ड्रॉ कर लेंगे, इसको नाम दे देंगे पी टू, ठीक है। फिर थ्री पे रखेंगे और थ्री वन लाइन, तो थ्री वन लाइन के ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, इसको नाम देंगे पी थ्री। फिर फोर पे रखेंगे और फोर से पास होने लाइन पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे पी फोर। फाइव पर कर दीजिए, फाइव से भी सेम पॉइंट सेम लाइन जा रही है। सो फाइव पे रखा और फाइव पे एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मेरा ड्राइंग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट बनेगा, पी फाइव, फिर सिक्स पॉइंट के लिए, तो ये मेरा सिक्स पॉइंट है, ये सिक्स पॉइंट है मेरा, तो सिक्स पॉइंट में आएगा यहाँ पे कुछ पी सिक्स। सेवन पे रखे, ये सेवन की लाइन आई, तो सेवन पे रखे मैंने यहाँ पे सेवन की लाइन पे ड्रॉ कर दिया पी सेवन। एंड लास्ट लाइन पी एट, तो पी एट का जो पॉइंट आएगा ये बराबर मेरा एट पॉइंट पे ही आएगा, ठीक है। सो आपको देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे कुछ पॉइंट मिले, ओके। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है बाय द यूज ऑफ फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व से कैसे ज्वाइन करेंगे, जहां से आपका आर्क चेंज हो रहा है सबसे पहले आप उसको ज्वाइन कर दो, पी थ्री पी फोर पी फाइव, यहां से मेरा आर्क मेरा चेंज हो रहा था। अब बाकी के पॉइंट को ज्वाइन कर लो, पी वन पी टू पी थ्री, ठीक है, पी सिक्स पी सेवन एंड दिस इज माई पी एट। सो लाइक दिस आपका ये जो पॉइंट रहेगा ये ज्वाइन होगा, तो लास्ट में इसको ऐसे आप सर्कल में भी लेके आ सकते हो, एट पॉइंट से ज्वाइन कर देना। सो इस प्रकार से मेरा जो पॉइंट है इनवॉल्व का, सॉरी साइक्लोन का, सो ये क्या होगा मेरा मूव करेगा, और ये जो आर्क रहेगा मेरा सिर्फ और सिर्फ ये आर्क वो ही डार्क रहेगा, बाकी सब पेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें बनाना क्या था साइक्लोइड, और ये जो मैंने आर्क बनाया है ये आर्क क्या है साइक्लोइड, ठीक है। तो ये आर्क बनाने के लिए आपको एच रेट की पेंसिल यूज करना है, बाकी सब आपका टू एच रेट की पेंसिल से। चलो रिवाइज करते हैं, सबसे पहले सर्कल बना लिया, सर्कल को आठ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसको नाम दूंगा कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको नाम लिख दिया। बनाने के बाद क्या किया मैंने, सर्कल बैलेंस फाइंड किया, सर्कल बैलेंस मेरा 2.12.5 सेंटीमीटर आया, यहां से सेंटर से डिस्टेंस लेके इसको ड्रॉ कर दिया, इससे पैरेलल लाइंस मैंने सभी जगह पे ड्रॉ कर दिया, 3 5 4 1 7 8 सभी से मैंने इसकी जॉइंट लाइन ड्रॉ कर लिया। बनाने के बाद क्या किया, इस जो सेंटर लाइन थी उसको भी मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए मेरे। उसके बाद क्या किया, डिवाइडर में ओ से लेकर तो एट तक का डिस्टेंस लिया, वो कांस्टेंट रहेगा, उसको मैंने सी वन पे रखा, वन की लाइन थी तो वन पे कट किया, टू की लाइन थी तो टू पे कट किया, सी थ्री का डिस्टेंस थ्री लाइन पे कट किया, ऐसे मैं कट करते हुए गया और मेरा ये आर के यहाँ पर बन गया। समझ में आया, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। सो हेयर आपने यहाँ पर देखा वीडियो में कि किस प्रकार से साइक्लोडल कर्व बनाया जाता है, यहाँ पर आपको वही प्रॉब्लम दिया है उसका सॉल्यूशन भी दिया है और आपको कुछ सॉल्यूशन स्टेप्स दिए हैं। अगर आपको बनाते समय कोई भी दिक्कत जाती है तो आप इन सॉल्यूशन स्टेप्स को पढ़ लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना ड्राइंग बना लीजिए।
आई होप आपका ड्राइंग सक्सेसफुली बन जाएगा. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. सो यूनिट आउटकम्स अचीव्ड, ड्रॉ अ साइक्लोडल कर्व बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशन. आज का समरी क्या था? आज हमने पढ़ा कि साइक्लोडल कर्व कैसे बनाते हैं और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स. सो आज के लिए इतना ही. हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग.